यूक्रेन लंबे समय तक रूसी हमलों से खुद को बचाने के लिए जूझता रहा और जब कुछ महीने पहले उसे अमेरिका से मदद मिली तब वो एक बार फिर ताकतवर हुआ। अब यूक्रेन इतना ताकतवर हो गया है कि वो रूसी हमलों का जवाब देने के साथ ही रूस के लिए उन जगहों पर भी मुश्किल पैदा करने पहुंच रहा है जहां से उसे सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं है। दरअसल यूक्रेन ने रूसियों पर हमला करने के लिए सीरिया में विशेष बल भेजा है जहां रूस काफी पहले से ही मौजूद है और सीरिया में सरकार का विरोध करने वालों को कुचलने में वहां के राष्ट्रपति का साथ दे रहा है। अब यूक्रेन सीरिया पहुंचकर रूस के उलट उन लोगों का साथ दे रहा है जो वहां के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने सीरिया में रूसियों से लड़ने के लिए विशेष बल तैनात किया है। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स मध्य पूर्वी देश सीरिया में रूसी भाड़े के सैनिकों और सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के शासन के खिलाफ सीरियाई विद्रोहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है और रूसी चौकियों और सैन्य हथियार पर हमले कर रहा है। नाम न बताने की शर्त पर एक यूक्रेनी खुफिया सोर्स के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेनी सैनिकों ने साल की शुरुआत से ही रूसी सैन्य सुविधाओं पर कई हमले करने में सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन किया है। आपको बता दें कि रूस 2015 से ही सीरिया के गृह युद्ध में शामिल है जब वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद ने विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ समर्थन का अनुरोध करने के बाद सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया था। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने अप्रैल 2018 के अंत तक रिपोर्ट किया कि रूसी हवाई बमबारी ने सीधे तौर पर 7,700 से अधिक नागरिकों को मार डाला था जिनमें एक चौथाई बच्चे थे। इसके अलावा 4,749 विपक्षी लड़ाके और ISIS के 4,893 सदस्य भी मारे गए थे। हालांकि सीरिया में यूक्रेन की सैन्य उपस्थिति अब तक रिपोर्ट नहीं की गई है। सीरिया में अपनी सेना भेजने के पीछे रूस का कहना है कि वो आतंकी ताकतों को खत्म करके अपने दोस्त देश यानी सीरिया को राहत देना चाहता है। रशिया की मदद मिलने के बाद सीरिया की सरकार और रूसी सैनिक मिलकर वहां की सरकार का विरोध करने वालों को कुचलने लगे और विद्रोह करने वाले कई लोगों को मार दिया गया। इससे मिडिल ईस्ट के देशों में रूस की पैठ बढ़ी। इसे देखते हुए अमेरिका ने भी वहां अपना दखल बढ़ा दिया और सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री उतार दी। रूस वहां के सत्ता पक्ष को सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका ने विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर दिया। इन सब के बीच सीरिया के राष्ट्रपति असद अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं। अगर असद का तख्ता पलट होता है तो रूस का एक दोस्त और कम हो जाएगा क्योंकि कुछ ही देश हैं जो रूस के मित्र हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार असद को गिराना चाहती है जिससे कि रूस और कमजोर हो जाए।